सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये है एग्जीक्यूटिव ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट ऑफ प्रोटॉन X70। इसके अंदर आपको सिर्फ मैं वॉक अराउंड दूंगा क्योंकि लाइव रिव्यू और कम्प्लीट रिव्यू हम कर चुके हैं प्रीमियम टू व्हील ड्राइव वेरिएंट का, उस पर और इसमें क्या फीचर्स हैं आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इट विल बी एन एग्जीक्यूटिव ऑल व्हील ड्राइव वर्सेज प्रीमियम व्हील ड्राइव कंपैरिजन। तो इसके अंदर पहले बताया था 1.5 TGDI इंजन आता है जो कि 177 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 130 RPM पे और 255 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1500 से लेकर 4000 RPM तक। दोनों गाड़ियों के अंदर जो टायर साइज़ है वो मुख्तलिफ है। इस गाड़ी के अंदर जो कि ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट इसके अंदर 255/60R18 का आता है, 18 इंच का अलॉय आता है, जबकि उस गाड़ी के अंदर आपको 225/55/19 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके अंदर आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, उसके अंदर भी आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको पावर टेल गेट जो है वो मिल जाता है लेकिन आपको फुट सेंसर नहीं मिलता जिससे आप पाँव की मदद से खोल सकते हैं। उसके अंदर आपको पावर टेल गेट भी मिलता है और फुट की मदद से भी आप खोल सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको पैनारोमिक सनरूफ नहीं मिलता, टू व्हील ड्राइव के अंदर आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो सीट मटेरियल है वो नहीं है, इसके अंदर जो सीट मटेरियल है बेसिकली वो लेदर हाइड है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए लेदर हाइड सीट मटेरियल है इसका, जबकि उसके अंदर आपको कंप्लीट नापा लेदर मिलती है। इस साइड पर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, लेदर हाइड इसके अंदर आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ड्राइवर पावर सीट विद वेंटिलेटेड सिस्टम आपको दोनों गाड़ियों में मिल रहे हैं। इसके अलावा पैसेंजर पावर सीट जो है वो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगी, आप देख सकते हैं, आपको टू व्हील ड्राइव वेरिएंट में मिल जाएगी। एयर प्योरीफायर सिस्टम दोनों गाड़ियों में, वॉइस कमांड जो है वो फ़ोन, रेडियो सेटिंग, एयर कंडीशनर एंड व्हीकल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है और बेसिक विंडो और सनरूफ कंट्रोल जो है वो आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। 6 ईयरबैड फ्रंट साइड और कैबिन पर जो है ये आप देख पाएंगे, वो सामने यहाँ पर और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये दोनों गाड़ियों में आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS जो है वो आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरा आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ऑटोनोमस एमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कलिजन वार्निंग, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डोर ओपनिंग वार्निंग सिस्टम और इंटेलिजेंट हाई बीम कंट्रोल वो इस गाड़ी में नहीं है जबकि उस गाड़ी में आपको मिल जाएगा। सो दैट इज़ वन थिंग टू कीप इन माइंड। अब इसकी इम्पोर्टेड जो CB यूनिट है जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं, इसकी प्राइस है 48,90,000 रुपीज़। यस, 48,90,000 रुपया इसकी प्राइस है। और जैसे इसका लोकल वेरिएंट आएगा इसकी प्राइस जो है मज़ीद कम हो जाएगी। एक दफ़ा फिर आपको मैं इंटीरियर की लुक दे देता हूँ, साइड की लुक दे देता हूँ, एक ओवरऑल लुक दे देता हूँ। 7-speed DCT है विद मैनुअल, आप कर सकते हैं इसको कंट्रोल। इसके अलावा आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रिंक है, ऑटो होल्ड है, ट्रैक्शन कंट्रोल, इको स्पोर्ट मोड, हिल डाउन हिल असिस्ट जो होती है उसका ऑप्शन मौजूद है। पार्किंग का है, ये आपको सॉफ्ट टच प्लास्टिक मिल जाता है ऊपर और सॉफ्ट आपको ये मटेरियल मिल जाता है डाउन पर। आर्म रेस्ट इसके अंदर आप देख सकते हैं, पावर आउटलेट वगैरह मौजूद है। देयर इज़ अ USB सॉकेट डाउन देयर एज़ वेल। इसके अलावा सीट की आपको लुक दे दूँ, LED आप देख पा रहे हो फ्रंट पर आपको मिल जाएगी, एंड डाउन देयर आप भी देख पाएंगे दो आपको बेंच मिल जाएंगे। प्रोटॉन के बैक पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी लुक आप देख लें। पॉकेट्स दोनों के लिए मौजूद हैं, दो USB सॉकेट्स मौजूद हैं। ये आपको दरवाजे की लुक दिखा दूँ। एयरबैग स्टैंडर्ड है विच इज़ अ गुड फीचर इन एयरबैग कंपनी हुए इसमें। प्रोटॉन थैंक यू वेरी मच। और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मौजूद हैं। इसके अंदर स्प्लिट आप देख पा रहे हैं, यानी आई होप सो, थोड़ा सा स्प्लिट है। पीछे आप देखेंगे तो स्प्लिटर मौजूद है, आपके पास रियर व्हील टायर नीचे मौजूद है, बाकी सेम है, सिर्फ जो एडिशनल फीचर्स हैं वो नहीं है। ये बैग आप देख लें इसका, ऑल व्हील ड्राइव। पीछे सेंसर्स आपको मैं दिखा देता हूँ, आप फुट सेंसर नहीं जिसे आप ओपन कर पाएंगे। बाकी 18 इंच के अलॉय व्हील्स आप देख लें, साइड से लोग देख लें। I hope you like this video. Make sure to like, subscribe, and hit the bell icon for more informative content. And I'll see you guys soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. And mujhe batayega whether you will go for a Proton X70 all-wheel drive executive or versus premium for all-wheel drive. Allah Hafiz. Subscribe kare aur saath press kare bell icon ko taki latest updates sabse pehle aapko mil sake.